और दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने की शुरुआत साल 1966 में हुई थी, जब यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षकों और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर आत्मनिर्भर, सक्षम और साक्षर शिक्षित भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि साक्षरता, शिक्षा और टेक्नोलॉजी समावेशी लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की जरूरी कड़ियाँ हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय के इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इससे पहले ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता और ना ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों का अनुपालन करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में दुनिया भर में 77 करोड़ 30 लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें जीवन रक्षक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमें पहले से कहीं अधिक साक्षरता और शिक्षा में निवेश करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।